नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुड़गांव में हुई किसानों और औद्योगिक मजदूरों की पंचायत। दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकारों से मांगा जवाब। अब 5 साल का होगा सीबीआई ईडी निदेशकों का कार्यकाल। आदिवासी आंदोलन के महानायक बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती आज। देश में कोरोना के 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले। किसानों और मजदूरों ने 14 नवंबर को अपनी ऐतिहासिक एकता को कायम करने और एक दूसरे के संघर्षों में उत्साह भरने को लेकर दिल्ली एनसीआर शहरी क्षेत्र में किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया। इसमें मजदूर किसान की एकता और अपने साझे दुश्मन के खिलाफ आंदोलन को तेज करने पर चर्चा हुई। देखिए न्यूज क्लिक किया ग्राउंड रिपोर्ट। और सभी लोगों ने किस तरीके से प्रचार किया था कि खालिस्तानी आतंकवादी है, ये तो किसान है। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में। अभी हम मौजूद हैं गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहां पर एक मजदूर किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन बेलसोनिका की जो मजदूर यूनियन है उसने किया है, जिसमें अलग अलग मजदूर यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेता कुछ शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके नेतृत्व में पिछले एक साल के लगभग से आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, उसके नेता यहाँ पे शामिल हुए हैं। पहली ऐसी पंचायत है अर्बन सेंटर में, शहरी इलाके में, जहाँ मजदूर और किसान के दोनों कानून को लेकर चर्चा की जा रही। मजदूर विरोधी ये जो लेबर कोड है वो वही स्थिति है जब 1928 में असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, जिस ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए, जिसमें हड़तालों पे मजदूरों पर भयानक जुर्माना लगाया गया। तो 8 घंटे कानून था कि 8 घंटे काम कर सकते हैं, जब ये लागू हो जाएंगे नियम तो अब 12 घंटे काम। और उसमें एक कानूनों में, कोड में ये भी बनाया गया है कि जब तक कंपनी का मुनाफा नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, तब तक वो आपको 12 घंटे या 16 घंटे तक काम कराएंगे। अपने लिए वो यूनियन नहीं बना सकते, या यूनियन की जो स्ट्राइक हो रही है उनमें आप नहीं जा सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। जो भी स्ट्राइक में जाएगा या साथ देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेबर कोर्ट्स में हड़ताल को इलीगल घोषित करना एकदम पूंजीपतियों के, सरकार के हाथ में है। लंबे लंबे नोटिस देके आप हड़ताल कर सकते हैं, मतलब हड़ताल को असंभव टाइप का बना दिया। और हड़ताल करने पे 10,000 से लेके 2 लाख रुपए तक जुर्माना, हड़ताल का कोई सपोर्टर है उस पर भी ये जुर्माना दिया जाएगा, और किसी भी हड़ताल को इलीगल ये घोषित कर देंगे। यूनियन बनाने के अधिकार को जो है ख़त्म किया गया है, स्थायी नौकरियों की जगह पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आए, और कई एक फैक्ट्रियां जो हैं श्रम कानूनों के दायरे से बाहर चली जाएंगी, लेबर कोड्स के दायरे से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि जिन पे ये लेबर कोड्स लागू होंगे उनकी जो तादाद हुआ करती थी पहले, पावर मतलब बिजली से चलने वाले उद्यम में 20 वर्करों की बात थी, गैर बिजली से 40 थी, अब इसकी तादाद को बढ़ा दिया है, 100 तक कर दिया है, 50 तक कर दिया है। ये जब हमला किया गया लेबर कोड के तौर पे मजदूरों के ऊपर, और ये जो किसानों पे हमला किया गया, एक तो कॉमन बात ये है कि मजदूरों किसानों पे जो हमला करने वाला शासक वर्ग है वो एक ही है, एक ही जगह दोनों कानून पारित हुए, वो भारत की संसद में हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमला हुआ है समाज में, दो ही उत्पादक वर्ग मजदूर और किसान, दोनों पे एक साथ आपने हमला बोल दिया, और दोनों पे एक साथ हमला बोल के सरकार ने पूरी तरीके से जिसके हित में काम किया वो कॉर्पोरेट पूंजी के, पूरे देश में पूरे सारी इंडस्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करना, और उसके लिए हायर एंड फायर रखो या निकालो वाले मजदूर उपलब्ध कराना, मतलब पूरे देश को एक व्यापक जो है किसानों को जाड़ के मजदूर आबादी में तब्दील करने की, ये सरकार की अपनी योजना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अब भी बदतर बनी हुई है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को संकट की स्थिति बताया है, साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने के लिए भी जोर दिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में पूरा लॉकडाउन लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि यह कदम तभी कारगर होगा जब पूरे NCR में लॉकडाउन प्रभावी रूप से लगाया जाए। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए एक लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता व्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा इसे NCR क्षेत्रों में भी लगाने की जरूरत होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों द्वारा पराली जलाने के अलावा प्रदूषण के लिए कई और फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। जस्टिस कांत ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार मानती है कि पराली जलाने का मुद्दा वैज्ञानिक तौर पर गलत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है वह सिर्फ किसानों को कोसने के बारे में है,
जस्टिस कांत ने पराली के मुद्दे पर पंजाब सरकार से कहा कि सरकार पराली जलाने वालों किसानों को सजा दे रही है, मगर उनके लिए कोई और विकल्प का सुझाव क्यों नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों के शपथ पत्र दाखिल करने और सुनवाई के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रदूषण बढ़ने के लिए कुछ हिस्सों में पराली जलाए जाने के अलावा भी निर्माण गतिविधियां, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और वाहनों की आवाजाही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस मसले पर कोर्ट ने मंगलवार शाम तक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने इन दोनों एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने रविवार को एक अध्यादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अध्यादेश के अनुसार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को 1-1 साल करके 3 बार बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदिवासी आंदोलन के महानायक और आदिवासियों के बीच भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की आज 146वीं जयंती है। क्या था बिरसा का जीवन और संघर्ष, आइए जानते हैं। और आखिर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 15 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 125 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित लगभग 12,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1,800 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,00,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक 4,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित लगभग 3,38,00,000 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर करीब 1,34,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 112,34,00,000 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 30,20,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।